सो हे गाइस नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अल्फा ड्रॉइड के बारे में, जो कि एक नया कस्टम रोम हमारे पोको एप्पन और बहुत सारे डिवाइसेस के लिए रिलीज़ हो चुका है। और गाइस क्या कुछ इस कस्टम रोम में देखने को मिलता है वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे तगड़े वीडियोज़ ऐसे कस्टम रोम के रिव्यूज़ मैं हमेशा लाते रहता हूँ। और गाइस क्या कुछ देखने को मिलता है इस कस्टम रोम के बारे में वो सब कुछ मैं बताऊंगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मेरा नाम अनिश रॉय, आप देख रहे हो टेक्नो प्रभु। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके होम स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे जो सारे एप्लीकेशन वगैरह वो सब कुछ AOSP के देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये AOSP बेस्ड रोम है। और गाइस ये मैं बता दूँ ये CR ड्रॉइड जैसा ही आपको यहाँ पे फील देगा, क्योंकि ये CR ड्रॉइड का बेस से ही शायद ही बना होगा। फिर यहाँ पे ब्राउजर वगैरह जो है ये AOSP के देखने को मिलते हैं। और गाइस इसमें आपको यहाँ पे ANX का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। और गाइस ANX अच्छी तरीके से वर्क भी कर रहा है। और गाइस अगर आपको यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन को इनेबल करना है तो गाइस सिंपली एक पैच है उसको फ्लैश कर सकते हो रिकवरी में, जिससे कि यहाँ पे 4K 30 FPS 60 FPS तक यहाँ पे आपको अनलॉक देखने को मिल जाएगा। वही भी अगर हम बात करें इसके ओवरऑल स्मूथनेस के बारे में तो गाइस सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे लॉन्चर के ऊपर। लॉन्चर में जैसे जाओगे ना तो गाइस यहाँ पे जैसे हम लॉन्चर में जाते हैं ये अल्फा ड्रॉइड का लॉन्चर देखने को मिल जाता है। देख सकते हो इसका खुद का ही यहाँ पे आपको लॉन्चर देखने को मिल जाता है, अल्फा लॉन्चर नाम से आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे जो आइकन्स में तो गाइस आइकन्स में ये सारे कस्टमाइजेशन, फिर यहाँ पे होम स्क्रीन में कस्टमाइजेशन जो कि यहाँ पे आप छेड़छाड़ कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ऐप ड्रॉड है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एंड वहीं पर अगर हम बात करें इसके नीचे रीजन्स की तो गाइस रीजन्स में आपको यहाँ पे मेमोरी इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें मिसलिनियस के बारे में तो गाइस मिसलिनियस में कोई यहाँ पे जो यूज ट्रांसफर है उसको देखने मिल जाता है। फिर यहाँ पे हिडन एंड प्रोटेक्टेड एप्स यहीं पे देखने को मिल जाता है, जिसको कि आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को हाइड वगैरह कर सकते हो, ठीक है, बड़ी आराम से। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इसके नीचे रिस्टार्ट का ऑप्शन देखने मिलता है, सजेशंस का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अभी बात करते हैं यहाँ पे सेटिंग्स के बारे में। जैसे सेटिंग्स में जाओगे इसका जो UI है वो एकदम ही टोटली डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पे CR ड्रॉइड से भी डिफरेंट है। तो गाइस यहाँ पे आपको जो है इसका UI है बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो इसका जो यूज़र इंटरफेस को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन जो है इस अल्फा बेट में देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे जाओगे आपको सिंपली यहाँ पे यूज़र इंटरफेस में बहुत सारे कस्टमाइजेशन जो कि CR ड्रॉइड के रोम्स में देखने को मिलते हैं, सेम वैसा यहाँ पे आपको जो यूजर इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, चेंजेस वगैरह भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। कस्टमाइजेशन तो भर भर आप कर ही पाओगे, लेकिन गाइस यहाँ पे अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो गाइस गेमिंग आपको यहाँ पे BGMI में कंस्टेंट 60 FPS ला के दे देगा अगर आप BGMI खेलते हो, क्योंकि गाइस BGMI आ भी चुका है। तो गाइस मैंने BGMI यहाँ पे खेला, मेरे को बहुत ही अच्छा खासा इसका तगड़ा FPS वगैरह देखने को मिला है। तो गाइस डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे कंसीडर करने वाला हूँ इसको गेमिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो क्विक सेटिंग्स के रिगार्डिंग कस्टमाइजेशन, फिर बटन्स में जाओगे बटन्स के रिगार्डिंग कस्टमाइजेशन में यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके लॉक स्क्रीन की और लॉक स्क्रीन में आपको ये सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। क्लॉक स्टाइल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने ये वाला कर रखा है, ठीक है, देख सकते हो निंजा वाला बहुत ही सही लगता है। एंड यहाँ पे बहुत सारे आपको जो फन स्टाइल है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें नीचे टैप टू स्लीप, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन, फिंगरप्रिंट एरर वाइब्रेशन, फिर यहाँ पे रिपल इफेक्ट एंड यहाँ पे टैप टू स्लीप वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पे हम जो बोलते हैं नोटिफिकेशन की और नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे रीथिकर देखने को मिल जाता है, नोटिफिकेशन आइकन्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे हेडअप्स वगैरह, फिर यहाँ पे शो क्लिपबोर्ड ओवरले वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। यही पे अगर हम बात करें इसके नेविगेशन के बारे में तो गाइस नेविगेशन में आपको यहाँ पे पिक्सल एनिमेशन देखने को मिलता है। सिस्टम नेविगेशन का यहाँ पे नेविगेशन बार जो है वो यहाँ पे आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। शो एरो वाइल टाइपिंग देखने को मिलता है। लेआउट जो है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्वर्ट लेआउट वगैरह सब कुछ जो है नेविगेशन के ऊपर देखने को मिलता है। यहाँ पे साउंड की बात करें, साउंड में आपको यहाँ पे वॉल्यूम स्टेप्स जो है यहाँ पे आपको ये भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। प्लस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे इक्वलाइजर टाइप का दिखाई देगा। एंड यहाँ पे एडाप्टिव प्लेबैक देखने को मिल जाता है और यहाँ पे स्क्रीनशॉट साउंड भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम पैनल का स्टाइल भी चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि राइज रॉइड का कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, राइज UI का। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें रियलमी UI का तो रियलमी UI में जैसे शिफ्ट होंगे यहाँ पे रियलमी UI जैसा वॉल्यूम पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पे वॉल्यूम पैनल लेफ्ट में भी शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स कॉल के रिगार्डिंग देखने को मिल जाता है, जैसे कि इन कॉल वाइब्रेशन, वाइब्रेटन कनेक्ट, वाइब्रेटन डिस्कनेक्ट, वाइब्रेटन कॉल वेटिंग, ये सब कुछ यहाँ पे आप जो है वाइब्रेशन वगैरह जो है सेट आउट कर सकते हो। मिसलिनियस की जाओगे तो यहाँ पे आपको मिसलिनियस में क्योंकि गेमिंग रोम भी है यहाँ पे आपको जो है FPS अनलॉकर देखने को मिलता है, अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको फोटोज़ गूगल फोटोज़ में आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाएगा, आप अनलिमिटेड बैकअप बना सकते हो अपने फोटोज़ और वीडियोज़ का, ठीक है। यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स प्रूफ भी देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको पैरेलल स्पेस जो कि दो गर्लफ्रेंड के काम का आता है, ठीक है, अगर आपके पास 2-3 गर्लफ्रेंड हैं आप सिंपली यहाँ पे 3-4 व्हाट्सएप को इंस्टॉल करके 3-4 गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे आप चैटिंग कर सकते हो। तो गाइस ये अच्छा फीचर यहाँ पे दिया गया है।
स्वाइप टू स्क्रीनशॉट वगैरह, फिर यहाँ पे पॉकेट डिटेक्शन, वेदर सेटिंग्स वगैरह, ये सारे कुछ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ जो कस्टमाइजेशन के बारे में मैंने बता दिया है। अभी हम चलते हैं नीचे, तो गाइस यहाँ पे डिस्प्ले की ओर जैसे जाओगे तो यहाँ पे आप डिस्प्ले में आपको यहाँ पे टैप टू स्लीप, फिर यहाँ पे वेक ऑन प्लग, एम्बिएंट डिस्प्ले, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। एंड वे अगर हम चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशंस की ओर, तो गाइस साउंड एंड वाइब्रेशंस में यहाँ पे आपको नीचे जैसे जाओगे यहाँ पे आपको डायल पैड टोन्स, फिर स्क्रीन लॉकिंग साउंड, फिर यहाँ पे टच साउंड, फिर यहाँ पे पर ऐप वॉल्यूम, फिर यहाँ पे चार्जिंग साउंड्स, फिर यहाँ पे जो MI साउंड इंडेंसर ये देखने को मिलता है, और यहाँ पे क्लियर स्पीकर भी देखने को मिलता है। और गाइस ये जो MI साउंड इंडेंसर ये अच्छी तरह से वर्किंग है, यहाँ पे गेमिंग के टाइम बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। बाकी यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट अनलॉक वगैरह का सब कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे ये अच्छी तरह से काम भी कर रहा है। ठीक है, फिंगरप्रिंट जो इसका मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगा, बहुत ज़्यादा फास्ट लगा, जैसे भी इसमें टैप करता हूँ वैसे ही अनलॉक हो जाता है। फिर से मेरे को दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैंने इसमें टैप किया तो ये खुल जाता है। फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, जैसे मैंने इसमें टैप किया खुल जाता है। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट देखने को मिलता है इसका फिंगरप्रिंट। ठीक है, और फेस अनलॉक भी अच्छे से वर्किंग है, यहाँ पे लाइडर सेंसर भी अच्छे से काम कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम के ऊपर कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको सिस्टम प्रोफाइल्स वगैरह देखने को मिल जाता है, जहाँ पे एक ही बार में आप सिंपली एक पर्टिकुलर आप प्रोफाइल को सेट कर सकते हो। ऐसे आपको इस प्रोफाइल में टैप करोगे, आपका जो सेटिंग है जिस प्रोफाइल में आपने अप्लाई कर रखा है वो सारा सेटिंग जो है वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज़ अच्छी बात है, यहाँ पे आपको देखने मिलता है। एंड यहाँ पे जेस्चर्स की रिगार्डिंग कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि क्विकली ओपन कैमरा, फिर यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन के ऊपर यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फिर 100 मोड, प्रेस टू होल्ड पावर बटन, एंड यहाँ पे ये बाकी जो जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर चलते हैं अबाउट फोन के बारे में, तो गाइस अबाउट फोन जैसे जाओगे ना, यहाँ पे इसका अबाउट फोन का जो UI है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अलग है। यहाँ पे आपको बिल स्टेटस ऑफिशियल देखने को मिल जाता है, यहाँ पे डिवाइस मेंटेनर जो है यहाँ पे अक्षत देखने को मिलता है, एंड्रॉइड वर्जन आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 13 देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे इस डेट को आप सिंपली देख सकते हो। एंड यहाँ पे हम बात करें इसके सिक्योरिटी पैच लेवल की, तो गाइस यहाँ पे आपको 5 मई का देखने को मिल जाता है, पिछले महीने का है। और गाइस यहाँ पे इसका जो अल्फा ड्रॉइड वर्जन जो है 1.5.1 देखने को मिलता है। यहाँ पे बिल नंबर वगैरह, यहाँ पे आपको डिवाइस कोड नेम वगैरह, और यहाँ पे कर्नल जो है यहाँ पे आपको कवाई देखने को मिल जाता है, लेकिन गाइस मैंने यहाँ पे नो ग्रेविटी कर्नल को फ्लैश किया, आप सब लोगों को पता होगा परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, और गाइस परफॉर्मेंस एकदम यहाँ पे इस कस्टम रोम में बहुत ही सही से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और गाइस मैंने यहाँ पे BGMI खेला, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने BGMI को इंस्टॉल किया, यहाँ पे S9 को मैंने खेला, जेंशन को खेला, मेरे को SH को भी लैग देखने को नहीं मिला। ठीक है, इसको मैं डेफिनेटली रेकमेंड करने वाला हूँ अगर आप एक हैवी यूजर हो या फिर आप गेमिंग वगैरह करते हो। ठीक है, तो गाइस ये जो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। बाकी यहाँ पे LMC 8.4 देखने को मिल जाता है, LMC कैमरा जो कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है, अच्छी तरह वर्किंग है। यहाँ पे पिक्सल कैमरा जो है वर्किंग है, एंड यहाँ पे LX कैमरा तो यहाँ पे आपको इनबिल देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें इसके बाकी चीज़ों के बारे में, जैसे कि CPU रोलिंग Geekbench रिजल्ट्स की, तो वो भी हम दिखा देते हैं। गाइस CPU रोलिंग रिजल्ट्स कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर हम बात करें इसके Geekbench रिजल्ट्स की, तो गाइस कुछ इस टाइप का रिजल्ट आया है। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके प्लेस ऑफ सर्टिफिकेशन की, तो गाइस यहाँ पे आपको डिवाइसेस नॉट सर्टिफाइड देखने को मिलता है। एंड यहीं पर अगर हम बात करें इसके सिक्योरिटी लेवल की, तो गाइस L1 का सपोर्ट प्रेजेंट देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर सब कुछ मैंने बता दिया इस कस्टम रोम के बारे में। ये इस कस्टम रोम को फ्लैश करने के लिए सिंपली आपको जो T12P रिकवरी है जोकर भाई का, उसको यहाँ पे सिंपली फ्लैश करना है, एंड सिंपली उसी में सब स्टोरेज वगैरह को छोड़ के सब कुछ वाइप कर देना, एंड सिंपली इस कस्टम रोम को फ्लैश करके डिसेबल 4 एग्जीक्यूशन जो है उसको फ्लैश कर लेना। एंड यहाँ पे बूम आपका फोन जो है यहाँ पे रिबूट हो जाएगा, और गाइस पिछले डेटा में भी आप वापस आ जाओगे, आपको कोई भी डेटा वाइप वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस बस ये था आज के इस वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा। और गाइस आप मेरा ऑलरेडी जो मेन चैनल है उसको भी जाकर डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो, प्यार दिखा सकते हो, वहाँ पे मैं हमेशा जो नए नए स्मार्टफोन्स निकलते हैं उनके रिव्यूज करता रहता हूँ, ठीक है, रोजाना। और गाइस आप मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो मुझे, ताकि आपको अच्छी खासे अपडेट्स वगैरह देखने को मिल जाए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या फिर कुछ भी पूछना है, कमेंट सेक्शन में तो रिप्लाई मैं नहीं दे पाता सबका, लेकिन गाइस मैं टेलीग्राम में हमेशा एक्टिव रहता हूँ, आप सिंपली टेलीग्राम के ग्रुप में जाकर मेरे को मैसेज कर सकते हो, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन आई वांट लीव।